नमस्कार, खबर खास टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष ठाकुर और अभी मौजूद हैं बीड बिलिंग में। जी हाँ, जो कि भारत का ही नहीं, हम मैं कहूँ तो वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग साइट है। और मेरे साथ मौजूद हैं पूर्ण चंद जी। पूर्ण जी मेरे साथ मौजूद हैं और किसी भी जगह का इतिहास जानना या आपको कहानी में सुनने को मिलेगा या वहाँ के पूर्वजों से, बुजुर्गों से या स्थानीय लोगों से। तो ये बहुत 40-45 साल से यहीं पे यही शोप करते हैं। किस तरह से, जब यहाँ कोई नहीं जानता था बीड बिलिंग को, तब से ये जानते हैं क्योंकि ये यहाँ के लोकल भी हैं। तो पूर्णचंद जी, सबसे पहले आपका स्वागत है खबरकास्ट टीवी में। हाँ जी, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, आप कहाँ से हैं? मैं बीड से हूँ जी, और 1980 से जी मैंने यहाँ, मैं क्या नाम, दुकान स्टार्ट की। 1980 में आपने कहा दुकान स्टार्ट की, लेकिन 1980 मैं तो कोई जानता नहीं था कि बीड बिलिंग कोई चीज़ भी है। ये नील और कीट और एक इजरायली जो थे जी, उन्होंने हैंग ग्लाइडिंग के लिए यहाँ मेरे को हायर किया था जी, कि हमारा जो है ग्लाइडर बोर्ड लेके चलना है ऊपर। तो हम तीन लोग आए जी, तो मुझे पूछा कि आपकी लैंड है यहाँ जी, नील ने। तो मैंने कहा हाँ, कहता यार यहाँ एक शॉप खोल। मैंने कहा यार तीन लोगों के लिए क्या शॉप खोलूँगा। अच्छा। हैं, तो उसने बोला तू खोल के तो देख। अच्छा। जब उसने मेरे से ये शॉप खुलाई। अच्छा। तो आज उसकी देन है कि आज मैं रोटी खा रहा हूँ जी। ये तो सबसे पहला व्यक्ति कौन था जिसने यहाँ से ग्लाइडिंग की है, पैराग्लाइडिंग की है, आप जानते हैं? सबसे पहले हैंग ग्लाइडिंग जो नील ने की है जी, और कीट और इजराइल का था, तीन लोगों ने। और उसके बाद जो पैराग्लाइडिंग स्टार्ट हुई वो ब्रूस है जी, ब्रूस मिल जी और एंडी जी, जिल, जेफ और जिम, जो पांच लोग थे, उन्होंने पैराग्लाइडिंग जो है 86 में की। तो आप जानते हैं ये लोग कहाँ से थे, कहाँ कहाँ से थे? हाँ, एंडी जो था वो इंग्लैंड है, इंग्लैंड से, जिम इंग्लैंड से था जी, और क्या नाम, जिल जो था वो स्विट्जरलैंड से है, जैब भी स्विट्जरलैंड से थे, ब्रूस वो न्यूजीलैंड से थे जी। इन्होंने पैराग्लाइडिंग स्टार्ट की है। आपने कहा कि आपने 1980 से यहाँ पे दुकानदारी स्टार्ट की और आज आपकी यहाँ पे दुकान है जिससे आप आजीविका कमा रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने कहा कि आपकी अकेले की दुकान थी और तीन लोगों के लिए आपने ये दुकान खोली, फिर कैसे सर्वाइव आपने किया? क्योंकि तीन लोगों के लिए क्या कमाते होंगे उस टाइम? जब वो सीजन पे आते थे जी, जैसे 1.5 महीना 2 महीने आते थे जी, तो मैं 2 महीने यहाँ दुकान खोलता था। अच्छा। उसके बाद बंद करके घर चले जाना, अपनी खेती बाड़ी करनी जी। जब उन्होंने आ जाना तो फिर मैंने आ जाना जी। वैसे करके मैंने ये संघर्ष किया हुआ है जी। और आज यहाँ तक मतलब बैठे हैं, आज चलो 12 महीने खुली हुई दुकान है जी। तो चलिए देखिए, ये पैराग्लाइडिंग और जिस तरह से हैंड ग्लाइडिंग की इन्होंने बात करी है, ये बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ हम यहाँ से आपको दे रहे हैं, क्योंकि ये पूरे भारतवर्ष के लिए है और पूरे देश विदेश के लिए है। क्योंकि ये वो शख्स हैं पूर्णचंद जी, जिन्होंने, जो इसके गवाह हैं, जिनके सामने यहाँ पे जो हैंड ग्लाइडिंग है वो हुई है, पैराग्लाइडिंग स्टार्ट इनके सामने हुई है और आज ये क्षेत्र जो है काफ़ी विकसित हुआ है। लेकिन हम जानना चाहेंगे, जितना ये होना चाहिए था इन 40-45 सालों में, इतना तो नहीं हो पाया अभी। वो सर ऐसा है कि 5 साल एक सरकार आती है वो खा जाती है, 5 साल दूसरी आती वो खा जाती है, ठीक है ना? ये क्या डेवलप होना, देखो आज ना तो यहाँ बाथरूम है बना हुआ है, क्या फायदा है इसका बाथरूम का? लेडीज लोग आ रही बेचारी इधर उधर भाग रहे हैं कि कहीं बाथरूम भी हो, पानी नहीं है यहाँ है, ना कोई पानी की सुविधा है, ना कोई बाथरूम की सुविधा है, ना कोई बिजली है, ना कोई कुछ है, यहाँ बहुत बुरा हाल है हैं लोगों के लिए, बहुत यहाँ प्रॉब्लम है। बाहर से बेचे सैलानी आते हैं वो कहाँ जाएंगे? बिल्कुल, कम से कम और ने तो बाथरूम तो कम से कम खोल दें जी। ये बना के रखा हुआ क्यों, देखने के लिए बनाया हुआ है, बाकी कुछ नहीं। मुझे लगता है ये हिमाचल की ही नहीं, भारत की भी वो धरोहर है जिसको बचाना चाहिए और इसका अधिक विकास आगे करना चाहिए जी। विकास करना चाहिए मगर करता कोई नहीं है। हाँ, 2015 में चलो वर्ल्ड कप हुआ यहाँ, उससे जो ज़्यादा लोग सैलानी आने लगे हैं, उसके बाद तो वर्ल्ड कप क्या कोई इवेंट भी नहीं करवाया इन्होंने, कम से कम एक इवेंट ही करवा देते, छोटा सा मेगा कंपटीशन ही करवा देते तब भी मानते ये। आज तक कुछ नहीं हुआ, आगे देखो अब क्या है। अब आई है सरकार, कहती है कि हम करेंगे
अब देखते हैं क्या करती है ये। तो चलिए, हिमाचल सरकार से आपकी क्या मांग रहेगी, क्योंकि अभी सरकार जो है कांग्रेस की बनी है और जिस तरह से सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो है वो मुख्यमंत्री बने हैं हिमाचल के, और हमारे पास भारत के पास हिमाचल के पास और जोगिंदरनगर और कांगड़ा की बात करें, मंडी कांगड़ा की बात करें, तो इस जगह जैसी कोई दूसरी जगह नहीं है। क्या कुछ आपकी हमारे माध्यम से आपकी अपील रहेगी सरकार से? हमारी सरकार से यही अपील है मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू से कि यहाँ हमारे बिलिंग में एक इवेंट हो और हमारे यहाँ पानी का, टॉयलेट का, हर चीज़ का मतलब प्रावधान होना चाहिए जी, जी, जिससे कि ये पता लगे कि नहीं वाकई सरकार जो है वो कुछ कर रही है जी। ये तो देखिए, आपकी उम्र भी जिस जब आपने दुकान की थी तब आपकी एज क्या थी, हम जानना चाहेंगे? 23। अभी आपकी उम्र 65-70 साल? हाँ जी, 64-65 साल हो चुकी है। तो देखिए, आपने हर वो दौर देखा है जब यहाँ पे इवेंट भी हुए, वो दौर भी देखा है इन्होंने जब यहाँ पे मात्र 3 कस्टमर इनके पास आते थे। तो कुछ खास बदला नहीं है, कुछ 2-4 दुकान मुझे लगता है एक्स्ट्रा लगी है, बाकी कुछ ज्यादा सुधार यहाँ पे नहीं है, कोई भी सुधार नहीं है। यहाँ टेक ऑफ देखो, टेक ऑफ का क्या हाल है, पत्थर निकले हुए बुरा हाल है, कोई बेचारा कहाँ गिर रहा है, कोई कहाँ गिर रहा है। कम से कम सरकार को देखना चाहिए कि यहाँ और नहीं मिट्टी डाल दो यार, बाकी दे मन ने जी। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है और हम भी चाहेंगे हिमाचल सरकार से और भारत सरकार से भी, क्योंकि ये भारत की भी धरोहर है जितनी की हिमाचल की है। और जी, ये तो भारत की क्या, ये तो ऑल वर्ल्ड की है, इस टाइम वर्ल्ड का 2nd नंबर और वर्ल्ड में वर्ल्ड का ट्रेनिंग सेंटर है ये, वर्ल्ड का ट्रेनिंग सेंटर है। जो भी बाहर से आएगा बेसिक करके वो यहाँ आके कहना थर्मलिंग के लिए और कहना हम इसके क्रॉस कंट्री के लिए बिलिंग ही आना पड़ेगा उनको जी। ये बहुत बड़ी बात है ये, और ये कोई छोटी बात नहीं है, और हम आप सभी लोगों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बिल्कुल इसको इतना आप फैलाएं न्यूज़ को कि हमारी सरकारों के कानों तक ये बात पहुँचे कि जो हमारे पास इतनी धरोहरें हैं उनको हम ऐसे ही गंवा क्यों रहे हैं, क्योंकि बात चल रही है हिमाचल की। और बात करते हैं हम हिमाचल जो कि एक टूरिज्म और टूरिस्ट हब है, लेकिन इसको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से इन्होंने बताया और जो लोगों की समस्या है, वो यहाँ पे एक सार्वजनिक शौचालय बना है पर वहाँ पानी नहीं है, बिजली नहीं है और पीने के लिए लोगों को पानी नहीं है। और साथ में एक बात आपसे और जानना चाहेंगे, जिस तरह से सड़कें हैं हमने देखा, नीचे लोग टोल टैक्स ले रहे हैं, वो उसको सजने संवारने की बात करते हैं लेकिन सड़कें आधी तक बंद हैं। देखो जी, सरकार कहती है कि हम ये क्या नाम टैक्स जो ले रहे हैं जी, वो बिलिंग के डेवलपमेंट के लिए ले रहे हैं जी। अब बिलिंग में क्या डेवलपमेंट है जी, देखो आप हैं, कम से कम यहाँ 4 डस्टबिन लगा दें तो वो ही बहुत बड़ी बात होगी। यहाँ कचरा पड़ा हुआ है जगह जगह, अब कितना कचरा उठाएंगे हम लोग हैं जी, सारा कचरा कम से कम और नहीं है तो कोई डस्टबिन में डालेगा, डस्टबिन होगा तो डस्टबिन में डाल के जाएगा क्लाइंट भी, क्योंकि उसको पता है कि यार डस्टबिन है तो मैं डस्टबिन में डाल दूँ, ठीक है ना। हमारा फर्ज ये है कि चलो डस्टबिन में डाल दिए तो हम उसको या जला दें या कहीं भी कुछ भी कर दें कि मतलब कम से कम कुछ ना कुछ करें हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पे करें। हाँ, कुछ ना कुछ करें, जैसे डस्टबिन है, पानी का समस्या है उसको हल करें सरकार। रोड की देखो, रोड की बहुत बुरी कंडीशन हो चुकी है, खड्डे पड़े हुए, बुरा हाल। जिस तरह से हमने देखा कि बर्फ गिरी हुई है उसको हटाने का भी कोई काम नहीं करता है, किसने करना जी। तो चलिए, बहुत अच्छी बात लगी, क्योंकि आपने कहा जिस तरह से जब बिलिंग को कोई जानता नहीं था, बीड़ को कोई जानता नहीं था, तब से आप ग्लाइडिंग की आपने बात की और पैराग्लाइडिंग की आपने बात करी है, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे क्षेत्र के लिए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी। तो खबर खास टीवी के लिए मुनीश ठाकुर की रिपोर्ट।